तो राम राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मैक्स जेसी फिटनेस में। और भाई आज काफ़ी बारिश हो रही है तो आज पराठे बनवाए, हमारी मम्मा भी ले रही है पराठे। तो भाई ये बन रहे हमारे ताजे ताजे पराठे, गर्मा गर्म मज़ा आ जाएगा खा के। ऐसा है, नाश्ता पानी हो गया, पराठे खाए मज़ा आ गया। और भाई एक जो लोगों ने पूछी है ना मुझसे बात, उसके बारे में आपको मैं एक बार बता दूँ। भाई जो भी इसके बारे में पूछ रहे हैं कि भैया ये कितने की आई है इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ये भैया आई है मैक्सिमम 1 लाख की, लेकिन हमारे वहाँ जुगाड़ था इसलिए हम 80,000 में लाए इसे, ठीक है। और इसकी जो रेंज है मैक्सिमम, पर क्या झूठ बोलूँ, 200 किलोमीटर 300 बताते हैं लोग, ये 120 किलोमीटर तक चलती है, मतलब चार्ज होकर एक बार आधे घंटे में चार्ज हो जाती है और मैक्सिमम 100 किलोमीटर आपको घुमा के लाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई अब चलते हैं ग्राउंड पे, अपने भाई आ गए होंगे वहाँ। क्या हाल है रोबी नेताजी, और सुनाओ। अरे तो भैया आज की सुबह बड़ी मस्त जबरदस्त अड़क फड़क में हम भी और चलते हैं, मीठी मीठी धूप और चलते हैं वहाँ, देखते चल गया तो एक रील बनाएंगे या फिर व्लॉग चल ही रहा है अपना, ठीक है। मिलते हैं अपने भाइयों से और घूमना फिरना आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेहनत कम हो रही है लेकिन कोशिश करेंगे कि मेहनत भी करें भाई। ये जो भाई जब चीज़ें बहुत कैड हो जाती हैं, जब यार हम किसी चीज़ की, जैसे हमने बोल दिया भाई 1 महीने व्लॉग देंगे, तो व्लॉग यार बनाना और डेली बनाना ये एक हार्ड काम है, ये कोई आसान नहीं है। ये सौरभ जोशी और ये जितने भी आज ऊपर गए ना भाई, सल्यूट है इन सबको, क्योंकि हर दिन मेहनत करना, हर दिन एडिटिंग करना, हर दिन वीडियो डालना, ये भाई थोड़ा कैड़ा काम है, थोड़ा नहीं बहुत ही कैड़ा काम है। और घूमना, घूम के थक के घर आना और फिर आके एडिटिंग करना और सुबह वीडियो डालना, भाई ये तो बहुत हार्ड काम है, अब पता चला यार। लेकिन बेड़ा उठाया है तो पूरा करेंगे। तो ये लो भाई ग्राउंड पे पहुंच गए और अभी कोई आया नहीं है, अभी तो अपना फुर्सत के पल खाली पड़ा है, सुबह का टाइम है, देखो कितना मस्त लग रहा है। अब भाई आज भर गया ग्राउंड में पानी, इसलिए सुबह आए नहीं, बारिश थी आज बहुत तगड़ी और अखाड़े में भी थोड़ा पानी भरा हुआ है आज, तो इसलिए सुबह आ ही नहीं पाए भाई। तो भाई थोड़ी देर में देखते हैं जो भी रहेगा, घूमने चलेंगे नहीं चलेंगे या भैया आके बताएंगे बंदे क्या बात है। अब टीम आएगी तो बताएगी भाई कैसे कैसे होगा मामला, लेकिन भाई मस्त लग रहा है एकदम। रात को तो लाइटिंग वाइटिंग में बहुत तगड़ा लगता है फुर्सत के पल। चलो भाई राजेश ब्रो भी आ गए, औरों का मालूम नहीं आज कहाँ है, वो गया हो कहीं काम से गया आज। प्रिंस? हाँ प्रिंस। अच्छा। प्रिंस कोई इमरजेंसी आ गई भाई इसलिए चला गया, अभी फोन आया था कि भाई मैं अस्पताल जा रहा हूँ कुछ काम है, मगर चले जाओ भाई हो क्या हो। तो राजी भाई पहुँच गए, तो देखते हैं अपनी यहीं पे आजकल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और यहीं पे आजकल डायलॉग मार रहे हैं मामा जी के। मामा जी का होटल है वो, जीजा जी का होटल है ना, आगे का पब्लिक जानती है। तो भाई देखते हैं क्या क्या होगा आज, क्या रहेगा। देर तो बहुत लग रहे हैं, देख यार बेर आ दे तो। हाँ गिर गए, हवा 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 तोड़ दी, आसान हो तकड़ी। हाँ बेर टूट गए भाई, लग रहे हैं नहीं मोटे मोटे भी, वो दिन भी चले गए जब बेरे पूरे दिन बेरी पे बैठे रहे। हाँ पहले बेरीन पे बैठे रहे छोटे छोटे से, जो बागन में मुर्गन में डंकी डंका खेलते रहे पेड़न पे, बहुत ही सुहाने दिन है, बहुत ही मस्त सुहाने दिन। तो भाई ऐसा दिन में है सब बिजी, कोई ना आयो दिन में, फिर दोपहर को रील बनाई और फिर आते ही साथ रील डाली। और क्या हाल छीले, और सुना सब बढ़िया। तो भैया अब राजी आ गए, अब चलेंगे ग्राउंड पे। बोलो ना आज भाई, वही शाम का टाइम और वही फुर्सत के पल जहाँ डेली आ रहे हैं मजे के साथ। और क्या हाल है ब्रो, राम राम भैया। ऐसा है भांज राजा का आ गया ग्राउंड पे, आए थे भांज राजा का आ गया, तुरंत फोन बोले भैया आज छोटी लाली का जन्मदिन है और घर आना है सीधा, मगर ठीक है 8 बजे तक घर आ जाएंगे। तो भैया वहाँ जाने से पहले तब तक मार्केट में कुछ खा ले हल्का फुल्का, उसके बाद ग्राउंड पे तो खाया नहीं, फिर
हल्का सा खा लें, क्योंकि भाई शाम कुछ खाने में सीधा घर से निकल के आ गया, तो कुछ हल्का फुल्का खा लें। लेकिन हम बाहर का खाते रहे लेकिन उल्टा सूधा नहीं खाते कभी भी, आप देख लेना जो भी खाते हैं अच्छा खाते हैं, ठीक है। कोई पिज्जा या बर्गर नहीं, जो खा रहे हैं तकड़ी चीज़ खा रहे हैं, ये देख लेना, तकड़ा ही खाना। कभी कुछ भी रूममेट्स भाई तो मार्केटों में जा रहे हैं खा रहे हैं, तो बाहर का खाना लेकिन अच्छा खाना, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो भाई ऐसा है, मार्केट में तो आ गए, और भाई मार्केट में जैसे कि आपने देखा हो तला गला बहुत, मतलब जो चीज़ें सेहत ख़राब करते हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। आपको एक बार मैं मार्केट दिखा दूँ आपको हो तो, ये देखो ये मिल रहा सामान, कहीं हंडिया चिकन है, कहीं कुछ है, लेकिन सेफ कुछ भी नहीं है भाई। ये क्या नाम है तुम्हारा, मोमो वगैरह या चाप वगैरह, आपको लगता है कि भाई ये सेफ होगा? भाई बिल्कुल सेफ नहीं है। मूंगलेट खाओ, देखो ये एक सेफ है, ये हाई प्रोटीन है भाई, ये वाला ऐसे आज मूंगलेट पे खाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है खाने लायक, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब यार पूरी मार्केट है, तो पूरी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, लेकिन एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको यार खा सके, मतलब बॉडी में ताकत देने का काम करे, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। देख लो कहीं बर्गर है, कहीं कुछ है, जूस है बस एक, इसमें जूस के बाद तुम्हारे मोमो वगैरह आ जाते हैं फिर से, मतलब टोटली पूरी मार्केट में यार क्या दिखाऊँ वो रहे। पूरी मार्केट में ऐसा है कि तुम पूरी मार्केट में डोलोगे ना तो तुम्हें एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो खाने लायक हो, बस पीने के लायक जूस है, आइसक्रीम है और मोमलेट है, उस पर खा सकते हैं भाई थोड़ा बहुत, लेकिन वरना यार सब बेकार है बिल्कुल, ठीक है। अच्छे से अच्छा खाने कोशिश किया करो भाई। तो भाई मोमलेट से बन रहा है हमारा सामान, और भाई ये दाल से बनी हुई है, भाई दाल से है ना, कौन सी दाल? मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल। अच्छा धुली हुई मूंग की दाल है ना। तो भाई देखो ऐसी चीज़ें हैं खाने की, ये खाओ खाना है तो। हाई प्रोटीन है, मज़ा आ जाएगा, ये मज़ा आवा दे भाई, आज बढ़िया बना दे तगड़ी सी। तो ये लो भाई, हो गया हमारा सामान रेडी, भाई बहुत टेस्टी लगता है, देखो बनने में 10-5 मिनट लगती हैं लेकिन मज़ा आ जाएगा खा के। तो ये लो भाई दूसरी वाली में और थोड़ा सा माल डलवा दिया, और अपनी वाली भी माल और डलवा दिया, पहले नॉर्मल बनाई थी, इस बार थोड़ा सा सामान बढ़वा दिया, मस्त लग रहा है भाई देखने में, भाई अपना मस्ती बनाता है। ले भाई जल्दी 10-5 मिनट तो भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन सामान एकदम गजब मिलेगा खाने के लिए, पूरी मार्केट में सबसे तगड़ा माल और जूस, ये दो ही तगड़ी चीज़ है। तो ये लो भाई अपना माल आ गया, राजी लो ब्रो ले लो आ रहा है, आने दो। तो भाई देखो कितना लजीज हो गया, अरे भैया मसाला डाल दिया हल्का सा, मसाला नहीं डालते कभी पहलवानों के लिए, कान टूटे बंदे देख लिया करो एक बार ही, तुमने कान टूटे बंदे नहीं देखे, पहली बार आए ना तुम्हारे पास। चलो भाई तो लेते हैं थोड़ा सामान, ये लो भाई यहाँ से थोड़ा बहुत चख के थोड़ा बहुत खा के अब भांजे के घर को प्रस्थान कर दिया, भांजे के घर के लिए प्रस्थान कर दिया भाई, पहले भांजे के घर पहुँचते हैं, अब थोड़ा केक भी कटवा दे। तो लो भैया बर्थडे पार्टी होगी स्टार्ट, भांजी राजा देखो पहुँचे ना पहुँचे टाइम पे। तो भैया खाने में बहुत आइटम है, तो भैया लो जान को बात तो अब आएगी, पहलवान आ गए, अब सामान 10-5 मिनट में गायब है अभी, पहलवान कूद पड़े फिर ना बचे कुछ भी ना, जन्मदिन की जान को आ जाएंगे काड़ो यू मारे को यू करेगा नुकसान बड़ो, भांजे मजा आ गए कुछ ना हो, कान टूटे बंदे दिखा दे, ऐ बेटे कान टूटे बंदे ऐसे रहे देख, आइए सुनो रसगुल्ले लिया, रसगुल्ले बढ़िया हो रहे, रसगुल्ले दे थोड़े से, चल दो रसगुल्ले उल लिया भांजे, रसगुल्ले कहाँ से मंगाए बनवाए हैं, बहुत तगड़े भाई। अच्छा वहीं से अपने सिस्टम पे वहाँ की भी ऐड दे दो क्या ना, उनको तो मामला बताओ, पैसे ना
ना पैसा ना मिले हमें, हमें चाहिए भी ना आपसदारी में रिश्तेदारी में पैसा ले लगे आगे तक को मामला बिगड़ जाएगा। वे खाने को दे रहे यही बहुत बड़ी बात। चलो ठीक है मदन लाल स्वीट्स पे सुवाए ना बमेटियन को माल तोड़ रहे हो पता चल जाएगी बमेटियन ने हमारा माल खा रहे हैं आज भी। देखो भैया राज बात सुने देखो कहाँ कहाँ तक वीडियो जा रही है नुकह रोज देखे हैं यूट्यूब पे अच्छा हैं। हाँ भाई यही दो चार गांव है जो दबा के देख रहे हैं और भी भाई हैं बहुत देख रहे हैं यार वीडियो। हाँ लाइक करो फॉलो करो और प्यार लो प्यार दो। तो ये लो भाई आ चुके हैं अपने घर और भाई जन्मदिन में मजा आ गया भाई बढ़िया खाने पीने को मिल गया लेकिन अब बचाया हमारा दूध पीने के लिए दूध बच गया तो भाई थोड़ा दूध पीएंगे और फिर सोएंगे दूध पी के सोएंगे। और भाई सुबह से लेके कैसे दिन चला जाता है व्लॉग बनाते बनाते पता ही नहीं चलता भाई लेकिन पूरा मजा आ रहा है काम करने में। और भाई जैसे प्यार दिखा रहे हो ऐसे प्यार दिखाते रहो जैसे कि मैंने कहा 10 व्यूज हो 20 व्यूज हो आपके लिए काम करूंगा टेंशन ना लो ठीक है। तो एक महीने तक का तो टेंडर ले लिया तो भाई एक महीने तो जुड़े रहो और बने रहो और देखते रहो मैक्स देसी फिटनेस। मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय।